राधे राधे फ्रेंड्स, मैं वीना पाठक मुरादाबाद से। आज फ्रेंड्स देखिए, ये डहेलिया का पहला फूल खिला है, कितना सुंदर है। डहेलिया प्लांट की मैंने आपको पूरी अपडेट दिखाई थी, लगाने से लेके अब तक। बहुत छोटे छोटे इसके प्लांट लगाए थे मैंने, फिर कैसे लगाए, क्या खाद डाली, वो सब आपके साथ शेयर की थी। आज देखिए पहला फूल इसका खिल गया है, और एक ये और खिलेगा भी, और काफ़ी सारी इसमें कलियां भी हैं। बहुत हेल्दी प्लांट है देखिए ये। इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ बराबर। कितना प्यारा, ऊपर भी एक ये कली लगी हुई है, और ये इसका फूल खिला है। बहुत ही सुंदर कलर है। और प्लांट्स में भी मैं देखती हूँ अब क्या क्या कलर खिलेंगे इसके। इसका तो बहुत ही सुंदर है, देखिए लाइनिंग है इस पर, सफ़ेद लाइनिंग है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। एक ये खिलेगा फ्रेंड्स, इसका देखिए अलग कलर है, ऑरेंज और वाइट है, ये शेड है, वाइट भी नहीं कहेंगे इसे, ऑरेंज और पीच कलर का है। ये भी बहुत सुंदर है, ये भी अभी खिलने वाला है, खिला नहीं है। इस पर भी खूब सारी कलियां हैं, और देखिए कितना हेल्दी प्लांट है ये भी। अच्छी सी रिच मिट्टी में लगाने के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें देना शुरू कर दिया था मैंने, जैसे ही कलियां आनी शुरू हो रही थी इसमें। अब बराबर दे रही हूँ मैं, हर हफ्ते हफ्ते में 10 दिन में बराबर मैं दे रही हूँ इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र। देखिए ये भी कितनी बड़ी कली लग रही है, ये भी खिलेगी अब। खूब हेल्दी प्लांट हैं। जैसे ही ये फूल खिला मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स जब हम मेहनत करते हैं और उसका अच्छा सा रिजल्ट मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आज हल्की हल्की धूप भी निकली थी हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड में भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहता, क्योंकि इन प्लांट्स को धूप चाहिए, सबको, सन लविंग प्लांट हैं। और धूप निकलने पर देखिए ये गजानिया भी मेरे कितने अच्छे खिले हैं। ये भी धूप निकलती है जब ही खिलते हैं, धूप ना निकले तो ये नहीं खिलते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं ये भी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स।